भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा ग्रामीण की टीम ने झालावाड़ में कार्रवाई करते हुए जिला कारागाह में जेलर को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी ने परिवादी से उसकी जेल में बंद मां से लगातार फोन पर बात कराने और तंग नहीं करने की एवज में यह रिश्वत की राशि ली थी। साथ ही जेलर करण सिंह खुद ही रिश्वत की राशि को लेने के लिए परिवादी को LIC बिल्डिंग के नजदीक बुलाया, जहां पर उसने यह रुपए ले लिए थे, जिसके बाद ACV की टीम ने उन्हें दबोच लिया और रिश्वत की राशि उनके पास से बरामद की गई है। इसके बाद उनसे पूछताछ की जा रही है, साथ ही मौके पर कार्रवाई जारी है। मामले के अनुसार बारां जिले के रारोटी निवासी संतोष मीना खानपुर इलाके में हुए घटनाक्रम के मामले में झालावाड़ सेंट्रल जेल में बंद है। संतोष मीना ने अपने बेटे भवानी शंकर को फोन किया था कि जेलर करण सिंह को 20,000 रुपए पहुंचा दिया जाए, ताकि वह उसे जेल में सजा काटने के दौरान परेशान नहीं किया जाएगा, साथ ही लगातार फोन से भी वह संतोष को बात करवाने देंगे। हालांकि भवानी शंकर ने कहा कि उसके पास अभी इतना पैसा नहीं है, जिसके बाद तय हुआ कि वह 10,000 रुपए की रिश्वत राशि ही जेलर करण सिंह को दे दे। ऐसे में भवानी शंकर ने आज रिश्वत की राशि करण सिंह को उसकी बुलाई गई जगह पर जाकर सौंप दी। ये परिवादी है भवानी शंकर मीणा, जो बारा जिला का रहने वाला है। उसने कल कोटा देहात हमारे ACB कार्यालय में उपस्थित होकर ये रिपोर्ट दी कि मेरी माँ जो है संतोष देवी, वो कई दिनों से कारागृह झालावाड़ में बंद है, जिसको सुविधाएं देने के लिए, परेशान नहीं करने के लिए वहाँ का जेलर कारापाल श्री करण सिंह राठौड़ 20,000 रुपये की रिश्वत मांग रहे हैं। इसका हमने सत्यापन किया और कारापाल जो करण सिंह है वो 10,000 रुपये रिश्वत राशि लेने पर सहमत हो गए। आज रिश्वत राशि 10,000 रुपये प्राप्त करते हुए करण सिंह जो कारापाल हैं झालावाड़ जेल के, उनको गिरफ्तार किया। उसके बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने करण सिंह को गिरफ्तार कर लिया। अवैध रूप से घर वालों से बात करवाने और लोगों परेशान करने के मामले में अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं।